अखिलेश के साथी ने 59 साल की उम्र में पास की 12वीं की परीक्षा, आगे का प्लान भी बताया। सपा जीत ने दी बधाई, सपाइयों का जोश भी हाई, पप्पू भड़ताल के बाद सपा नेता की कहानी छाई। देखिए कौन है ये अखिलेश के खास नेता और क्यों इस उम्र में जाग गई पढ़ाई की इच्छा। ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। कुछ लोग इसी छोटी सी कहावत में अपने बड़े सपनों को भी उड़ान देने में जुट जाते हैं। वहीं हर बार चुनाव के दौरान राजनीति को लेकर भी खूब चर्चा होती है कि हमारे नेता पढ़े लिखे नहीं हैं। इन्हीं बातों से पार पाने और अपने अधूरे सपनों को पूरा करने का साहस समाजवादी पार्टी के एक नेता ने दिखाया है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट बच्चों के लिए जहां खुशी लेकर आया है, साथ ही बुजुर्ग भी इसे खुशी मना रहे हैं। दरअसल इस बार समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि ने भी 12वीं की परीक्षा दी थी। आखिरकार 59 साल की उम्र में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास भी कर ली। उन्होंने कहा कि वो आगे भी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। यूपी बोर्ड रिजल्ट के साथ प्रभुदयाल वाल्मीकि भी चर्चाओं में हैं और लगातार उनको लेकर सुर्खियां बन रही हैं। मेरठ में समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि ने इंटर की परीक्षा पास की है। सपा के पूर्व मंत्री ने बागपत के आदर्श इंटर कॉलेज जोहड़ा से 12वीं की 59 साल की उम्र में परीक्षा पास की है। मंगलवार को जारी हुए यूपी बोर्ड के रिजल्ट में प्रभुदयाल वाल्मीकि का नाम भी शामिल रहा। जैसे ही नतीजा देखा तो उनके घर में जश्न मनने लगा। प्रभुदयाल वाल्मीकि ने बताया कि काफी समय से खाली रहने के कारण मन में आया क्यों ना पढ़ाई की जाए, और खाली समय में थोड़ा वक्त निकालकर इंटर का प्राइवेट फॉर्म भरकर पढ़ाई शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि बागपत के आदर्श इंटर कॉलेज से प्राइवेट फॉर्म भरकर बोर्ड की परीक्षा दी थी। मंगलवार को जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो मन में कुछ बेचैनी जरूर थी, लग रहा था कि पास हो पाऊंगा या नहीं। हालांकि जब अपने को पास होते हुए देखा तो काफी खुशी मिली और समर्थकों ने इसमें चार चांद लगा दिए। प्रभुदयाल वाल्मीकि 2012 में हस्तिनापुर सीट से सपा के बैनर तले विधानसभा का चुनाव जीते थे और विधायक बने थे। प्रभुदयाल वाल्मीकि लंबे समय तक सपा की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। हस्तिनापुर में विकास कार्य में उन्होंने काफी अहम काम किए हैं। इसके बाद उनके बढ़ते कद को देखते हुए सपा सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया। फिर कुछ समय बाद उन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया गया। 2017 में हस्तिनापुर से फिर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के दिनेश खटीक के सामने उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। प्रभुदयाल वाल्मीकि के अलावा बीजेपी के पूर्व विधायक पप्पू भड़ताल भी चर्चाओं में हैं, क्योंकि पप्पू भड़ताल ने भी 12वीं की परीक्षा दी थी और उन्होंने भी परीक्षा पास कर ली है। परीक्षा पास होने के बाद जहां उनके समर्थक खुशी जता रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे थे, तो वहीं पप्पू भड़ताल ने नाखुशी जताते हुए कहा कि जो उन्हें अंक मिले हैं वो उनकी मेहनत के मुताबिक कम है और वो पुनर्मूल्यांकन करवाएंगे ताकि जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके नंबर कम क्यों आए हैं। तो एक तरफ पप्पू भड़ताल हैं और दूसरी तरफ प्रभुदयाल वाल्मीकि हैं। दोनों ही नेताओं की चर्चा हो रही है और दोनों ही नेताओं को मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है। सभी का कहना है कि जब इस उम्र में ये नेता पढ़ाई शुरू कर सकते हैं तो आखिर हम और आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते।